Welcome to our video library KCC Faculty of Education में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुचिता भुइयां आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। पर्सनालिटी शब्द का शिक्षा जगत में बहुत अधिक महत्व है और पर्सनालिटी के बारे में बहुत अधिक मिसकॉन्सेप्शनल है कि आप बहुत धारणाएं गलत धारणाएं भी हैं, पर वास्तव में व्यक्तित्व को जानना एक भावी शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि आप यदि प्रत्येक बालक को पहचानते हैं तो क्लास को समझना और उस क्लास में उन बालकों के विकास करना, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना, ये हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए पर्सनालिटी शब्द का को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ धारणाओं के आधार पर हम देखते हैं, इसको तीन स्टेप्स पर देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स है मिसकॉन्सेप्शन अबाउट पर्सनालिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो अब आगे हम चलते हैं, ये मिसकॉन्सेप्शन अबाउट पर्सनालिटी हम देखते हैं कि क्या है। हम जानते हैं कि हम एक सामान्य धारणा ये होती है कि एक डील डॉल का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पहना हुआ, सूट बूट पहना हुआ और बहुत अच्छा, हम देखकर कहते हैं वाह इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति है। इसी तरह इनके कोई गाल पिचके हुए हैं और फटे हाल जूते हैं और उसकी पहनावा बहुत अच्छी नहीं है तो हम कहते हैं अरे कितनी बेकार एक पर्सनालिटी वाला यह व्यक्ति है। तो ये हम उसके पहनावे से उसके व्यक्तित्व की आकलन करते हैं या उनके चाल चलन से उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं या हम उनके बोलचाल की भाषा से हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व जो शब्द है हम केवल कुछ बाहरी अवधारणाओं पर, बाहरी जो फैक्ट्स है उसके आधार पर हम पर्सनालिटी का आकलन करते हैं, वास्तव में यह नहीं है। हमें यदि देखा जाए तो पर्सनालिटी के लिए हमें केवल बाहरी नहीं उसके आंतरिक गुणों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप उनके जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति चरित्रवान है पर वह सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो क्या हम उनको कह सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है? वह किसी से मिलता नहीं है, किसी से उनके सामाजिक वो है नहीं, तब हम कह नहीं सकते कि यह जो व्यक्ति है यह बहुत अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति है। तो हमारे यहाँ पर यह पर्सनालिटी शब्द की बहुत गलत धारणाएं हैं और हम यह जानते हैं कि पर्सनालिटी जो शब्द है वह पर्सनालिटी शब्द केवल आंतरिक नहीं, केवल बाहरी नहीं, दोनों गुणों का समावेश है। अब हम चलते हैं इसके मीनिंग पर, मीनिंग या इसके अवधारणाएं हैं उसके अर्थ पर चलते हैं। जब हम व्यक्ति के अवधारणा, व्यक्ति के अर्थ पर देखते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति जो शब्द है, पर्सनालिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से ली गई है और पर्सोना का अर्थ होता है मास्क। यानी पहले जब व्यक्ति कोई नाटक करता था तो वह उस पात्र को जब निभाता था तो पात्र का कैरेक्टर को एक मुखौटा के रूप में पहनकर उस कैरेक्टर को निभाता था, तो हम कहते थे वह उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। यानी ये मास्क धीरे धीरे परिवर्तन होते चला गया और इसी को ही
हम रिसर्च होने लगे, बहुत मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और इसका पर्सनालिटी शब्द पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद बहुत इसकी मीनिंग जो है वह अलग अलग देने लगे। जैसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में, यदि हम कहेंगे तो अपने प्रति या दूसरों के प्रति किए जाने वाला व्यवहार का एक संपूर्ण चित्र जो हम कह सकते हैं पर्सनालिटी है। या हम ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति के पास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी होता है वह सभी सम्मिलित होता है। या हम थोड़े शब्दों में यह कह सकते हैं क्योंकि व्यक्तित्व वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति के पास होता है। यानी मीनिंग हम देखते हैं कि मीनिंग पर हमारे पास हम यानी हमारी पूरी संपूर्ण जो हमारा चित्र जो हम कह सकते हैं जिसमें हमारे फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल सभी धारणाओं का पूरा संपूर्ण चित्र है। तो इस तरह पर्सनालिटी केवल आंतरिक नहीं, बाहरी गुणों नहीं, सभी का ही समावेश होता है। इसको बहुत अधिक मनोवैज्ञानिकों ने जो इनको परिभाषित किया है उसमें से कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हम यहाँ देखते हैं, जिसमें जैसे लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू अल्पोट। अल्पोट ने कैसे इन्होंने परिभाषित किया है, पर्सनालिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। यहाँ पर इन्होंने व्यापक रूप में इनको परिभाषित करने का कोशिश किया है इनको, जिसमें आपने मैंने देखिएगा कि मैंने कुछ वर्ड पर एम्फोसाइज किया है जैसे डायनामिक, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और साइकोफिजिकल सिस्टम्स या यूनिक एडजस्टमेंट। यानी यहाँ पर इन्होंने सभी बातों को उन्होंने समावेश करने की, अपनी परिभाषा में समावेश करने की कोशिश की है कि व्यक्तित्व का एक समग्र रूप को इन्होंने परिभाषित किया है। इसी तरह हम चलते हैं आइजेंक की परिभाषा के अकॉर्डिंग टू देखते हैं, पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड एंडरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर टेम्परामेंट इंटेलेक्ट एंड फिजिक विच डिटरमाइंड हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। यदि हम इनका इवैल्यूएशन करते हैं, आइजेंक की परिभाषा का इवैल्यूएशन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं इन्होंने चरित्र का ध्यान रखा। चरित्र यानी हमारे पास इनके क्रियात्मक व्यवहार का रूप प्रदर्शित किया है पर्सनालिटी पर। उसी तरह से यदि टेम्परामेंट यानी स्वभाव को यदि हम देखते हैं तो स्वभाव में हम देखते हैं कि इन्होंने भावात्मक, इमोशनल को ध्यान रखा, भावात्मक व्यवहार पर परिभाषित करने की कोशिश की है। इसी तरह से इंटेलेक्ट जिसको बुद्धि कहा जाता है उस बुद्धि पर हमने ज्ञानात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। और इसी तरह इन्होंने फिजिक यानी शारीरिक बनावट जो पर्सनालिटी को इसका जो मूल रूप जिसको इन्होंने कहा है जो जन्मजात शारीरिक गुणों पर आधारित होता है, इस तरह आइजेंक ने इस कुछ शब्दों के आधार पर इन उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की कि कैरेक्टर वाइज, टेम्परामेंट वाइज, इंटेलेक्ट वाइज या फिजिक वाइज। तो यहाँ पर यहाँ इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आइजेंक ने जो परिभाषित की है इन्होंने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस रूप को मतलब इसको इन्होंने रूप को ध्यान में रखा है। साथ ही इन्होंने साइकोलॉजिकल बेस को भी ध्यान में रखा है। इन्होंने क्रिएटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा है। इसी तरह इन्होंने साइंटिफिक बेस को भी ध्यान में रखा है।
तो इस तरह से हमने आइजेंग की परिभाषा को हमने इवैल्यूएशन किया। इस तरह हम अब चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप आता है, कुछ ऐसे फैक्ट जो पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है, पर्सनालिटी इज समथिंग यूनिक एंड स्पेसिफिक। हम यदि कोई घर में, आप यदि हम कहें तो सबसे पहले एक ही घर में यदि कोई ट्विंस बालक है दो, तो दोनों का व्यक्तित्व अलग होगा और अपने आप में अलग यूनिक होगा। ये कभी कह नहीं सकते कि हमारा जो डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो पर्सनालिटी कोई भी व्यक्ति एक समान, दो व्यक्ति कोई एक समान व्यक्तित्व वाला नहीं हो सकता। ये सभी का अलग होगा, स्पेसिफिक होगा। हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्वालिटी की पर्सनालिटी होती है, यूनिक क्वालिटी की पर्सनालिटी होती है। इसी तरह हम चलते हैं, पर्सनालिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। पर्सनालिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि आत्मचेतना के गुण को लेकर है। जब तक हम अपने आप को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वह ही आपका व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आप किस प्रकार से अपना अस्तित्व को प्रकाश अपने सामने सबके समक्ष प्रकाश में लाते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, वो जिस प्रकार से अपने आप को प्रकाशित करता है उस तरह का व्यक्तित्व होता है। इसलिए हम कहते हैं पर्सनालिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब हम इसी तरह हम चलते हैं थर्ड फैक्ट्स के ऊपर, पर्सनालिटी इंक्लूड्स ऑल द बिहेवियर पैटर्न्स कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव अबाउट द पर्सन। हम यह कह सकते हैं कि पर्सनालिटी में केवल ज्ञानात्मक नहीं, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों प्रकार के व्यवहार उसमें सम्मिलित होते हैं। केवल हम लोग उसके ज्ञानात्मक हम नहीं कह सकते, क्रियात्मक नहीं कह सकते या केवल भावात्मक नहीं कह सकते। हम यहाँ पर जो पर्सनालिटी को जो अफेक्ट करती है, तीनों प्रकार का व्यवहार उनको प्रभावित करती है। इसी तरह फोर्थ हम चलते हैं, पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक एंड एवर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड मॉडिफिकेशन। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि व्यक्तित्व एक में स्थिरता आ जाती है। यह व्यक्तित्व जैसे जैसे हमारा अनुभव हम लेते चले जाते हैं, हम जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाता है, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी में परिवर्तन होते चला जाता है। और ये हमारा अनुभवों के आधार पर वो परिमार्जित होने लगता है, यानी वो उसमें और थोड़ा और चेंजेस, यह जो प्रक्रिया है, व्यक्तित्व जो है वो धीरे 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 जैसे जैसे हमें हमारे व्यक्ति में परिपक्वता आती है, उस परिपक्वता के साथ मैच्योरिटी लेवल जैसे बढ़ती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ने के साथ साथ उसका व्यक्तित्व में भी विकास होते चले जाता है और उसका परिमार्जित रूप हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा इसमें चेंजेस होता है, मॉडिफिकेशन होता है और ये कभी स्थिर नहीं रहता है पर्सनालिटी। इसी तरह से हम और नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम सबसे पहले तो पर्सनालिटी, हम सबसे पहला उसका मूल रूप है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी हमारा जो रंग रूप आकार जो मिला है वह व्यक्ति का, ये अपने हेरिडिटी से ही मिला है। किंतु जैसे जैसे वह एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलता जाता है, वातावरण के अनुसार बदलते जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलते चले जाता है। आपने जैसे सुना होगा, आप हमेशा देखे होंगे पिक्चर्स में देखते हैं, हम कहते हैं कि एक जुड़वा बालक थे और एक कुंभ के मेले में बिछड़ गए और एक दूसरे के एक हमारे एक चोर के घर में रखा और एक पुलिस ऑफिसर के घर में रखा, दोनों का पर्सनालिटी अलग अलग चेंज हो गई।
क्यों? उनकी उनकी एनवायरनमेंट उनको प्रभावित की। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही मिश्रित रूप हमारा पर्सनालिटी है। इसी तरह नेक्स्ट हम कह सकते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ वंस पर्सनालिटी। तो इस तरह हम जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होते जाएगा, हमारे जो अनुभव जैसे जैसे हमें मिलते चले जाएंगे, हम जितना अनुभव अपने आप ग्रहण करते चले जाएंगे, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी में परिवर्तन होते चले जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इसको प्रभावित करते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें परिभाषित करने की कोशिश किया है, किंतु अभी भी पर्सनालिटी शब्द पर बहुत और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। बस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको देखेंगे कि इस पर और इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। बस हमने इसको एक थोड़ा कंपाइल्ड रूप में हम छोटे पर्सनालिटी के एक शब्दों का हम रूप को हमने देखा है कि एक एक वर्ड का क्या क्या इफेक्ट है। इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर पर्सनालिटी PERSONALITY यानी पर्सनालिटी शब्द के एक एक वर्ड को हम लेते हैं। पी फॉर परसेप्शन कैपेसिटी, ई फॉर इमोशनल मैच्योरिटी, R for responsiveness to situation, S for self-expression of sociability, O for organized, N for not permanent, A for appearance, L for leadership feeling, or I for integrated, T for tendencies, Y for young, vital and unique. तो इस पूरा रूप को हम कोशिश किया है कि हम पर्सनालिटी को प्रेजेंट करें किस तरह से, यानी पर्सनालिटी कभी परिवर्तित हमेशा परिवर्तित होती चली जाती है, और ये हम कैसा अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम अगले स्लाइड्स अगले वीडियो में आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, इनके टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो इतना ही। Thank you.